हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर ओ आर ओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में वो यू पी पी सी एस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इस साल उन्होंने यू पी पी सी एस का पेपर दिया था, बट उनका अच्छा नहीं हुआ। बट उनको आइडिया है कि हाँ, किस तरह से चीज़ें करनी है, क्या है। एंड अब वो यू पी पी सी एस 2024 के लिए एम कर रहे हैं अभी से, बिकॉज वो उनको पता है कि अब ये एक दो महीने वाला गेम नहीं रह गया है। इट्स लाइक कि अब आपको पूरे साल उसी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करनी है। उनके सामने एक डाउट बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो ये है कि पूरे साल हम टेस्ट सीरीज कैसे थ्रू आउट लगाते रहें, कैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें और ये सारी चीज़ें। तो देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम पूरे साल किस तरह से, मतलब आप पढ़ते तो हैं, बुक्स वगैरह जो भी नोट्स वगैरह हैं वो आप फॉलो करते रहते हैं, बट आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम हर दो चार दिन में हम MCQs कैसे प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज टेस्ट सीरीज तो एग्ज़ाम के पहले ही जनरली आती है, या एक दो महीने पहले, तीन दिन पहले। तो अभी से अगर करना हो तो क्या करें? देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इट्स जस्ट कि एक जो मार्केट में जो एक डर चल रहा है चारों तरफ से, फियर साइकोसिस है, उससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहिए। उसके साथ में आपको मार्केट में प्रैक्टिस के लिए, देखिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी देते हैं तो वो क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं बिकॉज आपकी जो गलतियाँ हैं वो कम हो, आप जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसको हैंडल करना सीखें, आपने जो पढ़ रखा है उसका रिटेंशन हो। तो आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जब MCQs वगैरह अटैम्प्ट करते हैं तो आपकी नॉलेज भी रिवाइज होती रहती है। सो इस तरह से बहुत सारे फायदे होते हैं टेस्ट सीरीज के। सो MCQs अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे आपने ल्यूसेंट पढ़ी, अब ल्यूसेंट आपने थ्योरी वाली पढ़ी, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है, आप मार्केट में जाइए, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव उसको बोलिए, वो देगा। जो भी आपने थ्योरी में क्वेश्चंस, थ्योरी में चीज़ें पढ़ी हैं, उसका वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन बने हुए हैं आपके पास MCQ, उसको पूरा लगा डालिए। तो एग्जैक्टली जो थ्योरी दी गई है वो तो उतने क्वेश्चंस तो नहीं बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाली ल्यूसेंट की बुक में, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब 70-80% आपका, आप कह लीजिए कि तैयार हो जाता है जो ल्यूसेंट थ्योरी वाली है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी एटलीस्ट तैयार हो जाएंगी। सो इसलिए जो भी लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हम कहां से तैयार करें, तो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव आप लगाइए। इसी तरह से एक बुक आती है अरिहंत की 14,000 MCQ करके आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, वो आप लगा डालिए। उससे क्या है कि जितने भी स्टैटिक आपके ये टॉपिक्स हैं उनसे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो आपकी वहाँ से MCQ की प्रैक्टिस होती रहेगी। इसी तरह से यूथ कंपटीशन टाइम है, स्पीडी है, मतलब देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल पब्लिकेशंस जिनकी इस तरीके के जो कंपाइलेशन है, जो मैनुअल है, वो आते हैं, जिसमें 10-12,000-15,000 क्वेश्चंस होते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो टफ होंगे, जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे अपने नोट्स या उसमें, तो वो आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत से इजी क्वेश्चंस भी होंगे। सो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे इसमें तो इजी दिया है, इट्स जस्ट कि आपको उनको स्किम करते जाना है, स्कैन करते जाना है, पढ़ते जाना है। तो जो भी आपने पढ़ रखा है अपने नोट्स से, बुक्स से, जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज आप पढ़ रहे हैं, सो आप अगर MCQ लगाते रहेंगे तो आपका रिटेंशन बेटर होगा। सो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में कुछ लोकल पब्लिशर्स भी हैं, लाइक वो बहुत पॉपुलर नहीं है, बट उनका कंटेंट ठीक होता है, आप एक दो बार पढ़ के देखेंगे, बिकॉज मैंने वो किया है, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ, आप भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे एक पब्लिकेशन है प्रभात, तो प्रभात की बुक्स जो हैं वो पहले से आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि UPPCS या RO जब होगा उसके 15 दिन पहले आएंगी, उसकी बुक्स पहले आ जाती हैं मार्केट में, तो आप लेकर के उससे प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है, अब मार्केट में टेस्ट सीरीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर आपको प्रॉपर हार्ड कवर, हार्ड कॉपी जाकर के नहीं मिल रहा है, अगर आप ऐसी किसी विलेज में या किसी छोटी सिटी में हैं, लाइक वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आप दिल्ली वगैरह से या प्रयागराज वगैरह से या लखनऊ वगैरह से कुरियर देख सकते हैं कि कोई कुरियर वगैरह कर दे तो आपको मिल जाए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी, जैसे आप देखेंगे आजकल, जैसे DIS है, GS वर्ल्ड है, दृष्टि IS है, संस्कृति IS है, इन सबके टेस्ट सीरीज, बहुत सी जो टेस्ट पेपर्स हैं वो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। सो आप देख लीजिए, अगर आपको ऑनलाइन मिल जाता है PDF वगैरह, वहाँ से सेव करके डाउनलोड करके फिर प्रिंट वगैरह निकाल लीजिए एंड उसके बाद में लगाइए, तो मतलब आपके पास कमी नहीं पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास MCQ या टेस्ट सीरीज की कहीं से भी कमी पड़ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो करंट अफेयर्स है वो ऑब्वियसली बदलता रहता है, मतलब वो आपका नया आ रहा है, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है वो नहीं बदलता है। तो अभी जब UPPCS हुआ था, तो उसके पहले लगातार बहुत से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टेस्ट पेपर्स या टेस्ट सीरीज वगैरह या बुक्स वगैरह निकाली थी, तो उनसे आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि RO के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ बदल जाएंगी, इट्स जस्ट कि कुछ क्वेश्चंस रैंडम ज़्यादा होंगे, बट ऐसा नहीं है कि कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे उत्कर्ष जो कोचिंग है उसकी भी एक बुक आई थी अभी UPPCS के पहले, काफ़ी अच्छी फैक्चुअल बुक थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो PCS मंत्रा की भी एक बुक लॉन्च हुई थी, जिसमें आई थिंक 10 टेस्ट पेपर थे। तो वो सब बुक्स आपको लगानी चाहिए, मतलब वो सब आपको पढ़नी चाहिए, अगर आपको MCQ और टेस्ट सीरीज का इतना वो है, तो ये सब जो बुक्स हैं ये सब लेकर के आप लगाइए। जो घटना चक्र है उनके भी 5 टेस्ट की एक जो पतली सी बुकलेट है वो निकली थी, तो वो 5 टेस्ट आप लगा सकते थे। इसके अलावा DIS है, तो उनके आई थिंक 25-27 कुछ टेस्ट हुए थे, अगर आप करंट अफेयर्स का टेस्ट हटा भी दें तो 25-26 टेस्ट उनके प्रॉपर हुए थे। इसी तरीके से
करीब 15-16 टेस्ट जो है वो पीसीएस मंत्रा के हुए थे। जीएस वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 20 टेस्ट हुए थे, जिसमें से सीसेट के अगर आप 4-5 हटा भी दें तब भी आपके पास 14-15 टेस्ट बचते हैं। लाइक दृष्टि की अगर आप बात करें उनके भी 15-16 टेस्ट थे, 3-4 आप सीसेट के हटा दें तो भी 12-13 बचे। संस्कृति आईएएस के भी 8-10 टेस्ट हुए थे। सो मतलब अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो आपके पास कम से कम 100 टेस्ट पेपर हो जाएंगे। 100 टेस्ट पेपर मतलब अगर एक में 150 क्वेश्चन दिए गए तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 100 टेस्ट पेपर से आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब अगर आप एक अक्षर अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बुक से पूरा जो ट्रेडिशनल वे है उससे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने केवल 100 टेस्ट पेपर ही लगा लिया और उसका जो सॉल्यूशन है उसको तैयार कर लिया, बिलीव मी उसकी पूरी तैयारी हो जाती है। बिकॉज इतना एफर्ट्स लगता है इसमें कि इंसान नहीं कर पाता, और जो इंसान कर लेगा उसको खुद पता है कि उसकी हर चीज़ तैयार हो गई है एंड बहुत टू द पॉइंट तैयारी होती है। मतलब अगर आपने किसी साल DIAS टेस्ट सीरीज़ के अगर 25 टेस्ट पेपर हैं, अगर वो भी पूरे के पूरे कायदे से लगा लिए, एंड कायदे से लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखा, सिर्फ आंसर देखा। इट्स लाइक कि अगर बलबन के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है तो आपने बलबन को पूरा पढ़ लिया। इट्स लाइक कि अगर आपने इल्तुतमिश के बारे में अगर आपने देखा कि यार कोई चीज़ आई हुई है तो आपने इल्तुतमिश को पूरा पढ़ा, जो उनके टेस्ट सीरीज में जितना भी सॉल्यूशन दिया गया है उसको तो आपने तैयार किया ही किया, एंड उसके साथ में आपने जो और भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी आपने तैयार किया। सो ये होता है पूरा कायदे से तैयार करना। सो MCQs की तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा मेरे पास भी बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, जितने भी लोग आर यू प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वो इस तरह से मतलब टेस्ट पेपर वगैरह चाहते हैं कि मैं उनके साथ शेयर करूँ या बताऊँ। सो मैं क्या करूँगा कि जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे क्या आउटपुट मिल सकता है, लाइक उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट अब पूछा जा सकता है, क्या अभी तक का रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मेरे पास जितने भी टेस्ट पेपर हैं मेरे पास मतलब काफ़ी हैं, सो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको टेस्ट पेपर की कमी नहीं पड़ेगी। मैं प्रॉपर बता दूंगा कि हाँ यार इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ये जरूर पूछा जाता है। बाकी थोड़ा बहुत आपको मेहनत अपने साथ में करनी पड़ेगी, लाइक आपको गूगल का यूज़ करना पड़ेगा, कहीं आपके पास अगर कोई नोट्स हैं पीसीएस मंत्रा के नोट्स पड़े हैं, कोई और आपके पास एसके पांडे पड़ी है, तो मैंने अगर बताया कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ जितनी मैंने बताई वो तो ठीक है, आप उसके बाद जाके खुद भी वो चीज़ पढ़ लो। सो इस तरह से आपको ध्यान देना है। आई होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिले एंड आपके डाउट्स कम होंगे।